लसा निकाले, 20, 30 और 40 का लघुत्तम निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20, 30 और यहाँ 40 आपको लिख के इसको ऐसे कर देना है। एक ऐसी संख्या लेना है जिससे 20, 30 और 40 कट जाए। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या 2 है, 2 से ये कटेगा 10 टाइम और ये कटेगा आपका 15 टाइम और ये 20 टाइम। जब इसको फिर यहाँ देखा जाएगा तो दो संख्या जो है 2 से कटेगी, 10 और 20। तो फिर हम 2 से ही इसको कटाएंगे, 2 से 5 टाइम, 15 ऐसे लिख देंगे और 20 जो है 10 टाइम कटेगा। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे तीनों कटे, तो तीनों जो है 5 से ये भी कटेगा, ये भी और ये भी। तो 5 से जब इसको कटाया जाएगा तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम। अब ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा। जब भी ऐसे अलग अलग संख्या से या पारा से कटे तो हम वहीं पे छोड़ देंगे और इस सभी को गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 और फिर 5, यहाँ पे 3 और 2। जब इस सभी को गुना किया जाएगा तो 120 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है 12, 16 और 32 का। तो हम ऐसे इसको लिख देंगे 12, 16 और 32। एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे तीनों कट जाए, तो 2 सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे, तो 2 से 6 टाइम, 2 से 8 टाइम और 2 से 16 टाइम जाएगा। फिर इसको जब कटाया जाएगा तो ये 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 2 से तीनों संख्याएं कटेगी। तो 2 से कटाएंगे तो ये 3 टाइम, ये 4 टाइम और ये आपका 8 टाइम। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे 2 संख्याएं कट जाए, तो 4 और 8 जो है 4 से कट जाएगा। तो 4 से जब इसको कटाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 एक बार में कटेगा और 8 2 टाइम कटेगा। अब ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, तो अब यहाँ पे इन सभी को गुना कर देंगे। तो गुना किया जाएगा तो 2 और गुने 2 गुने 4 गुने 3 और गुने 2। जब इसको गुना किया जाएगा तो 2 3 6, 6 6 24, 24 दुनी 48, 48 दुनी 96, यहाँ पे 96 राइट आंसर हो जाएगा।